वाह भाई, क्या बॉडी है! तू तो मर्द है मर्द। हर पुरुष को यह सुनना कितना अच्छा लगता है ना? पर क्या बड़ा सा शरीर, सिक्स पैक, डोले शोले हो जाने से ही आदमी मर्द हो जाता है, या और भी कुछ चाहिए? तो चलिए मैं बताता हूँ आपको मर्द किसे कहते हैं। मर्द वो है जो अपने पार्टनर को फिजिकली खुश कर सके। मर्द वो है जो बाप बन सके। और मर्द वह है जो अपने परिवार की ज़रूरतों को पूरी कर सके। असली मर्द वही है। आजकल के बहुत से मर्द बचपन में ही गलत लत के कारण फुस्स हो जाते हैं, और जब शादी के बाद वक्त आता है असली मर्द बनने का, तब इनकी बैटरी उतर चुकी होती है। चलिए आज आपको हम फिर से चार्ज होने का उपाय बताते हैं। आपने पुराने ज़माने के राजा महाराजाओं को 5, 10, 15 रानियाँ रखते सुना होगा, जबकि उस समय पुरुष की शक्ति बढ़ाने की कोई भी मेडिसिन उपलब्ध नहीं थी। तब भी राजा मूछों पर ताव देते थे। वजह थी उनके कुशल वैद्य, जो उन राजा महाराजाओं की जवानी बरकरार रखने उन्हें दूध और शिलाजीत का सेवन कराते थे। जी हाँ, शिलाजीत, जिसे पहाड़ का पसीना भी कहा जाता है, पुरुषों की कमजोरी दूर करने में रामबाण औषधि है। मैं यहाँ मेडिकल में मिलने वाले मिलावटी शिलाजीत की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं ओरिजिनल शिलाजीत, जो आपको सिर्फ पहाड़ी लोगों से ही मिल सकता है, की बात कर रहा हूँ। अगर आप रोज सुबह खाली पेट 1 गिलास गर्म दूध में गेहूं के दाने के बराबर शिलाजीत का सेवन रोज करते हैं, तो कुछ ही दिनों के अंदर आप अपने आप में नया जोश महसूस करेंगे। जो लोग कमजोरी या सुस्ती, थकान, नस में ढीलापन आदि समस्याओं से पीड़ित है, यदि ऐसे लोग भी ओरिजिनल शिलाजीत का 1 महीना प्रयोग कर लेते हैं, तो फर्क आप खुद ही देख लेंगे। पर सवाल उठता है, ओरिजिनल शिलाजीत को कैसे पहचाने? तो इसका बहुत ही आसान तरीका है। यदि आपको किसी के द्वारा लिया गया शिलाजीत ओरिजिनल है या डुप्लीकेट देखना है, तो आपको शिलाजीत को हल्का सा गर्म करना है। जब गर्म हो जाएगा तो उसे 2 भाग से खींच लीजिए। ओरिजिनल शिलाजीत की पहचान होती है, आप चाहे जितना भी खींच लो, रेशा निकलते रहता है, टूटता नहीं है। दूसरा है, ओरिजिनल शिलाजीत पानी में घुलनशील होता है, जबकि इसे आप अल्कोहल में डालेंगे तो यह घुलता नहीं है। तो अब आप समझ ही चुके होंगे ओरिजिनल और डुप्लीकेट शिलाजीत में फ़र्क। तो यदि आपको भी अपने शरीर को थकान से दूर करना है, कमजोरी से दूर करना है, या आप में जोश की कमी है उसे दूर करना है, तो शिलाजीत का सेवन दूध में ज़रूर किया करिए। और यदि आपको ऐसे लगता है कि आपका कोई दोस्त भाई इस तरीके की समस्या से पीड़ित है, तो उन्हें भी यह वीडियो शेयर ज़रूर कर दीजिए। और मेरे टिप्स उपाय पसंद आते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर बेल का बटन भी दबा दीजिए। मैं मिलता हूँ किसी नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।